असलम में दोस्तों में क्या चल रहा है, ठीक ठाक है। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी तकरीबन 12 बज चुके हैं, तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है, तो आज हमने जाना है गांव, तो वहाँ पे कबड्डी का मैच है, तो कबड्डी का मैच देखने जाना है। तो दोस्त ने इनवाइट किया था, तो हमारे गांव मैच है, तो हमारा दोस्त है गाँव का, तो वो कबड्डी खेलता है, तो उसने बुलाया। अभी मैं काफी बना रहा हूँ अपनी, तो काफी बन रही है, तो काफी पीते हैं। तो ये सारी कॉफी यहीं पे गिर गई है सारी। तो ये जो मेरा ये बर्तन है, ये छोटा है, तो ये चूल्हे के जो ये बड़े, तो यहाँ से स्लिप हो गए, तो सारी कॉफी नीचे गिर गई है। तो सारी अब देखते हैं, अभी थोड़ी सी पकाते हैं। तो रहा तो कुछ भी नहीं किया, ये थोड़ी ये देख ऐसे ऐसे स्लिप हो जाता है, तो ये मसला है। तो वहाँ पे सारी गिर गई, तो अभी जितनी है वही पीते हैं आज। आज तो काफी खराब होगी सारी। इतनी ज़्यादा काफ़ी गिनने के बावजूद भी कप अभी मेरा पूरा है, तो आज थोड़ी पकाई मैंने, फिर मैंने कहा ज़्यादा पकाते नहीं है। तो एक कप तो मेरा खाता था यहाँ पे गिर गया, तो बाकी जो बचा है वो कप पूरा हो गया मेरा। तो आज थोड़ी पकाई है, ज़्यादा पकाई नहीं है आज। तो यहाँ पे पौधों पे ये छिलके वगैरह जो सेब वगैरह के हैं, प्याज के हैं, तो ये सारे डाल दिए हैं सारे पौधों पे, उस पर भी सारों पे। तो इसकी वजह ये होती है कि ये जो पौधे हैं ये गल सड़ के बाद में खाद का काम करते हैं, तो ये पौधे के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए पौधों को डाल दिया करते हैं ताकि ये बाद में गल सड़ के खाद बन जाए। अभी तक मैं ये बच चुका है, तो मैं अपनी बाइक की जो चेन है तो वो अभी साफ करने लगा, क्लीन करने लगा हूँ, तो ये WD-40 के साथ। तो अभी इसे अच्छी तरह से हिला लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बिफोर यूज शेक वेल। तो इसे अच्छी तरह से हिला लेते हैं, तो फिर मैं जो है चेन है वो साफ करनी है। तो ये कितनी ज्यादा गंदी हुई थी, अभी साफ कर लेते हैं। ये ल्यूब भी हो जाएगी साथ ही और साफ भी हो जाएगी इसी तरह से। और एक ये नीचे शॉक ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से वाजे वगैरह आते हैं, तो ये भी साफ कर लेते हैं। होने वाली है, तो ये भी डैशबोर्ड इसका ये साफ कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था, तो ख़त्म भी हो गई तकरीबन, तो जितना साफ होगा उतना कर देंगे, ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं निकल रहा अंदर से। तो ये भी यहाँ से किसी ने तोड़ दिया, तो पता नहीं कैसे टूटा, तो ये देखें ये टूटा हुआ, तो मैं अभी यहाँ पे एल्फी लगाने लगा हूँ। तो अभी एल्फी मैंने लगा दी है, तो ये सूख जाएगा तो फिर अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। तो मैंने एहतियाती तौर पे लगा दी थी, मैंने कहा कि ये पे ऐसा था टूटता सारा टूट ही ना जाए, तो फिर ये सारा मुझे उतारना पड़ेगा यहाँ से। तो ये भी मैं सोच रहा था किसी दिन उतार दूँ, बाइक अच्छी लगेगी यहाँ से, तो लेकिन ये इंडिकेटर फिर ख़त्म हो जाएंगे, तो इसी वजह से मैं उतार नहीं रहा। नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पे अभी बनी नहीं है, इसलिए मैं अभी उतार नहीं रहा। तो मैं गया था बूजी को बैंक लेके, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो वो कह रहे थे कि आप जाओ, तो मैं बाद में आ जाऊँगा। तो मैं घर आ गया हूँ, तो अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं, तो पहले का खाना खाने लगे। तो मैंने आपको एक चीज़ खानी थी, तो ये मोबाइल है मेरा सैमसंग, मेरा फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन था ये, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किया, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है कह लें आप कस्टम रूम्स हैं, तो मैंने इसमें इंस्टॉल किए थे। तो मेरा ये फ़ोन है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें भी मैंने कस्टम रूम इंस्टॉल किया था, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग करनी है, तो कैमरा मुझे अच्छा, तो उसमें कैमरा ऐप जो थे वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो मैंने बारह खत्म कर दिया। तो ये जी बड़ा इसका कैमरा काफी ज्यादा अच्छा था उस दूर के फोन में, तो ये अब खराब हो गया, तो इसका टच नहीं चल रहा था, तो वैसे अब ऑन भी नहीं हो रहा, बैटरी पता नहीं खत्म हो गया क्या हुआ। तो अभी इसे ठीक करवाने का फायदा भी कोई नहीं है, वैसे करवा के सिम वगैरह बंदा यूज कर सकता है इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे अपने दोस्त को दिखाऊं, मेरा दोस्त है एक, तो उसे दिखाते हैं कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं, अगर ठीक हो जाएगा तो बड़ा प्यारा सा छोटा सा फोन है, तो इस्तेमाल करते रहेंगे। तो गोभी पकी हुई है, तो गोभी के साथ अभी खाना खाते हैं। तो अभी ये रोटी पक रही है मेरी, तो इस तरह हम पकाते हैं रोटी। ये टैलेंट आना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा टैलेंट। दोबारा करना हाँ, ये चीज़ तो ये नहीं आप कर सकते। वैसे मैं तो गोभी को रोटी के ऊपर ही लगा के खाता हूँ, तो मुझे ऐसे ही मज़ा आता है गोभी खाने का, वैसे प्याली में डाल के मज़ा नहीं आता जो रोटी के ऊपर लगा के खाने में आता है। मैंने तो खाना खा लिया, तो यहाँ पे अभी ज्वार की जो रोटी है वो पक रही है, तो ये आटा गूंदा पड़ा है, ये सूखा आटा है, और यहाँ पे ये रोटी पक रही है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस मोबाइल को जाके दिखाऊं तो ये ठीक होता है कि नहीं, तो मेरा एक दोस्त है तो उसे दिखाते हैं जाके, तो शायद ठीक हो जाए। कि अगर ज़्यादा पैसे लेंगे तो फिर मैं ठीक नहीं करवाऊंगा, अगर तो थोड़े पैसे हो गए फिर इसे ठीक करवा देंगे। मोबाइल जो है मैंने अपने दोस्त को दिखाया था, तो वो कह रहा है कि ये अब किसी काम कर ही रहा, तो इसके पास वगैरह भी नहीं मिलने, तो ये ठीक नहीं हो सकता। अभी तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं गांव, मेरे साथ मुजम्मल भाई भी हैं, तो अभी हम गांव जा रहे हैं तो कबड्डी का मैच देखने के लिए। तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो मैच लड़के ने टाइम तो 2 बजे का दिया था, 2:30 बजे का, तो अभी कह रहा है कि अभी कुछ नहीं है तो आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं, तो देखते हैं कि जाके मैच स्टार्ट हो गया होगा कि नहीं, तो अभी गाँव की तरफ ही जा रहे हैं।
तो अभी जी हमारी दोस्त से बात हुई है तो वो कह रहा है कि जो एक टीम है ना तो वो लेट हो गई है, तो वो थोड़ा सा लेट है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी रुके हैं। तो ये हमारा गांव का जो करीब से छोटी नहर निकलती है, तो वो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं, तो पिछले मरतबा मैंने गर्मियों में दिखाई थी कैसी थी, तो अभी सर्दियां आ गई है, तो तब का हाल आपने देख लिया, तो अब का हाल देख लिया, अब कैसी है ये। तो ये देखें जी, इसके जो इर्द गिर्द झाड़ियां हैं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो वो सारा वहां तक पहले क्लियर था, तो अभी यहाँ पे सारी झाड़ियां वगैरह आ गई हैं, तो ये भी झाड़ियां हैं। तो इसका जो पानी है तो आपको पता नहीं साफ लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो काफी ज्यादा साफ पानी हो गया, ये अभी सफाई होगी इसकी तो फिर अच्छा लगेगा। तो मुजम्मल भाई बैठे हैं यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं मेरी फोटो खींच दो, एक तो उनकी फोटो खींच देते हैं। ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖ ਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ